अबे सूरज पप्पी ले रहा है, ओए सूरज, ओए सुधर जा, अबे रमजान चिल्ला भी पप्पियां ले रहा है, ये हमारी सनकिस्ट कर रहा है हम गरीबों को, सनकिस्ट रमजान अभी चल रहा है, कुछ तो खाल कर ले, पप्पियां जप्पियां ले रहा है ये सुबह सवेरे। गाइस क्या हाल है, क्या सिस्टम है? तो भाई सिस्टम ये है कि अभी हम सुबह सवेरे 6:30 बजे ज़मीनों के लिए जा रहे हैं, 5 बजे व्लॉग लगाया और अभी हम 6:30 हो रहे हैं, अभी निकल रहे हैं घर से ज़मीनों के लिए। ये सिस्टम है फिलहाल। सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम अभी अपनी ज़मीनों पे पहुँचे हैं और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो फिलहाल यह है कि जो टास्क हैं पहले उन पे तवज्जो देते हैं, वो कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है आगे, क्या सिस्टम बनाना है। फिलहाल चलते हैं जहाँ स्टाफ वगैरह बैठा है, फिर देखते हैं क्या अपडेट है। अच्छा तो भाई ये भिंडी लगी पड़ी है और उसमें साथ में हमने शुगर केन किया हुआ है, तो ये सिस्टम है, लेडी फिंगर एंड शुगर केन। हाँ तो भाई आ गए हमारे मन पसंदीदा चीज़ आम। तो भाई हम आ गए अली उमर मैंगो ऑर्चर्ड पे और ये दरख्त सारे पीछे केरियाँ वगैरह आ गई हैं, बड़ी हो गई है, ज़्यादा आम बनने वाला है भाई, तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने में अभी कुछ माह, 1-1.5 माह बाकी है। तो ये सिस्टम है। टपकने से याद आया कि जो आम होते हैं ना बहुत शैतान होता है, कभी कोई शैतानी करता है, दरख्त आम शैतानी करते हैं क्या? मेरे साथ हर सीज़न में ये वाक्य होता है कि मैं दरख्त के नीचे बैठा होता हूँ हवा में और अचानक से एक कैरी गिरती है, सर पे लगती है ठा, और फिर सर जो मेरा चकराए या दिल डूबा जाए, ये सीन होता है। अच्छा तो भाई हम लगवा रहे हैं नया हैंडपम्प ज़मीनों पे, तो उसका काम भी चल रहा है, तो ये सिस्टम है फिलहाल। ये हैंडपम्प पड़ा है जो इंस्टॉल होगा और यहाँ इसका काम हो रहा है, ये सिस्टम है भाई। ये तमाशा मैं और अली भाई पहले दफ़ा देख रहे हैं, तो हम दोनों की आँखें खुली की खुली रह गई हैं, अली भाई भी परेशान हो गए हैं, ये वो कह रहा है। हैंडपम्प स्टॉल हो गया और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि साफ पानी आए, तो पता चले अभी तक तो उसका जो ज़मीन का गंदा वाला पानी निकल रहा है। हैंडपम्प का सब अली भाई कह रहे हैं वजू करके, अली भाई वजू करने का फुल प्रोग्राम बनाए बैठे थे,
अब दोस्त को काटने के मूड में ये सोचता हूँ। अब मैं अपनी बारी कर रहा हूँ, मैं भी हाथ में जोड़ूँ ताकि पता चल जाए पानी ठंडा वंडा है नहीं है, तो ये सोचता हूँ। अच्छा भाई, मैं आउटसाइड के दरमियान चल रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। लेकिन मैंने इतना ठंड प्रोग्राम लगा पड़ा है कि चारपाई रख के बंदा लंबा सोता है, ये सिस्टम है, ये पोजीशन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, दरख्तों से होती हुई आ रही है। बस डर सिर्फ ये रहेगा अगर बंदा सो भी जाए कि कैरी कहीं से ऊपर से आके सर में ना लग जाए, फिर मसला हो जाएगा गंभीर, बहुत ही खतरनाक मसला हो जाएगा। ये सिस्टम है। ठंडा पानी ट्यूबवेल चल रहा है, हाथ मुंह धो लिया जाए, फ्रेश हो लिया जाए, ये सिस्टम है। अरे तो सिस्टम को ऐसा है कि हम जमीनों से निकल आए, हमने अभी लेना है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और वो भिजवाना है वापस ज़मीनों पे। तो अभी चलते हैं वही लेने, ये सिस्टम। अच्छा तो भाई, हमने फर्टिलाइज़र वगैरह ले लिया और अब हमारी हालत काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है, तो अब हम बस वापस का रास्ता नापते हैं और चलते हैं वापस घर हैदराबाद। फिलहाल ये सिस्टम यह है कि हम अभी अभी घर पहुँच रहे हैं 12:30 बजे। अब आई नीड टू गेट फ्रेश ताकि ज़ोहर नमाज के से पहले तैयार हो जाऊँ और फिर ज़ोहर नमाज़ पढ़ूँ और फिर आके आराम करूँ, सुकून करूँ, चिल प्रोग्राम, ठंड प्रोग्राम करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है और अब सुस्ती भी बहुत हो रही है, गर्मी भी बहुत लग रही है, तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है। तो अब अल्लाह हाफिज, सितारे तक झेलना है कुत्तों, क्या करें, गुजारा करना है कैसे भी। अरे तो भी अब सिस्टम यह है कि असर नमाज हो गई है, मैं अभी तक सुस्त बना पड़ा हूँ। अली भाई ने मुझे कहा था समोसे लेके आ जाना बाहर से, मैंने कहा यार मेरे में हिम्मत इतनी नहीं हो रही कि मैं बैठ जो सकूँ, तुम बोल रहे हो मैं समोसे लेके आऊँ, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे में हालत नहीं है, एनर्जी नहीं है, लिहाजा मिलते हैं इफ्तार के बाद। अच्छा तो भाई, सिस्टम यह है कि मगरिब नमाज हो गई, रोज़ा खोल लिया, उसके बाद ग्रीन टी भी पी ली, अब हम इंतज़ार में बैठे हैं टीवी पे कि भाई चांद नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, कल रोज़ा रखना है कि कल ईद मनानी है, अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था कि हम तरावी पढ़ के आ गए थे, इवन सहरी की फुल नियत करके बैठे थे कि भाई सहरी करनी है और फिर 12 बजे अदालत
ने फैसला दे दिया ईद मनाओ, जाओ ईद ही मनाओ, ईद मनाओ, ईद मनाओ। अभी पता नहीं क्या होगा, नो आइडिया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और लेट्स प्रिपेयर फॉर द ईद। क्या पता हो जाए, क्या पता नहीं हो, नहीं हुई तो तैयारी तो मुकम्मल होनी चाहिए ना, तो ये सिस्टम है। पर फिलहाल पहले चल के तरावी पढ़ लेते हैं। तो भाई सिस्टम यह है कि अभी तक चांद नज़र नहीं आया। मरकज़ रवायत हिलाल कमेटी ने अनाउंसमेंट कर दी कि कल ईद नहीं है और रोज़ा रखो भाई, रमज़ा चल रहा है, रोज़ा रखो जी। और पर पाकिस्तान है, पिछली दफ़ा क्या की तरह क्या पता 12 बजे बोल दे अदालत हुकूमत कि भाई कल ईद मनानी है, तो यू नेवर नो। तो अभी ये सिस्टम है कि हम जा रहे हैं बार्बर की तरफ अपना हलिया ठीक करवाने, क्योंकि हम ये करते हैं कि ईद से कुछ दिन पहले ही अपनी ये दाढ़ी वगैरह की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन इस दफा कर नहीं पा रहे। तो आज अगर चांस मिल गया तो करवा लेंगे भाई दाढ़ी सेट, ताकि ईद से पहले ये अगर कुछ नीचे ऊपर हो जाए खत वगैरह में, तो ईद के दिन तक हौसला आ जाए कि भाई अब जो है यही है, ये सिस्टम है। अबे भाई रोड खाली करो, अभी कल ईद नहीं है, इतनी जज्बाती नहीं होके निकलो भाई, रास्ता खाली करो, घर जाना है मैंने यार, कल आना है शॉपिंग करने, कल आना। अच्छा तो भाई सेटिंग वगैरह हो गई, हम हो गए पप्पू, ईद की तैयारी अब हमारी मुकम्मल, बस कपड़े प्रेस करके पहन लेने हैं। तो ईद कल तो है नहीं, कल तो सहरी रखनी है, सुबह सहरी करनी है, तो फिलहाल ये सिस्टम है। अभी थोड़ी देर में बिलाल भाई आ रहे हैं, बिलाल भाई को कुछ सामान देना है कि वो घर ले जाएँ, और वो कुछ हमारे सामान ला रहे हैं वो उनसे रिसीव करना है। तो बिलाल भाई आते हैं तो वो करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, ये सामान लो भाई, घर ले जाना, जाओ जान छुड़ाओ। अकेले अकेले घूम रहे हैं, अकेले गाड़ी लेके इतनी रात को, नहीं इतनी रात को हम नहीं जाते, हम अच्छे बच्चे, तुम्हारी इधर ढीठ नहीं है। अयल भाई बिलाल भाई आ गए थे, आ गए, उनको सामान दे दिया, बाटर जो करना था उनसे लेना था, कुछ उनको देना था, कुछ वो हो गया। अब यह है कि दिन पहुंच गया है इख्तिताम को, व्लॉग भी करते हैं ख़त्म। और दिस इज़ द एंड ऑफ द डे, दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। इफ लाइक द व्लॉग काइंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब करो ब्रोस, करो करो करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, या।